वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड सेशन 4 मैनेज वर्कशीट। ओके, इन दिस सेशन वी रीड अबाउट व्हाट इज वर्कशीट एंड हाउ वी मैनेज अवर वर्कशीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट आर द इंडिविजुअल पेज ऑफ अ वर्कबुक। ठीक है, जैसे हमने एक एक्सेल शीट खोली है, ये आपकी वर्कबुक है। नीचे देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये पूरे वर्कबुक की एक इंडिविजुअल सीट है। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, वर्कशीट। सीट 1 एक वर्कशीट है, सीट 2 एक दूसरी वर्कशीट है, सीट 3 एक तीसरी वर्कशीट है। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है स्टेप्स टू एडिंग न्यू वर्कशीट इन अ वर्कबुक। अब इस वर्कबुक में हमें 3 सीट बाय डिफॉल्ट दी रहती हैं। अब सपोज हम चौथी सीट्स ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए या तो आप शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या जो यहाँ पर आपका आइकन है उसमें क्लिक करेंगे, सीट 4 खुल गया, या आप होम टैब में क्लिक करेंगे। होम टैब में क्लिक करने के बाद सेल ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में गए और इंसर्ट सीट में आपने क्लिक किया तो सीट 5 क्लिक हो गई। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है रीनेमिंग अ वर्कशीट। अब वर्कशीट को कैसे रीनेम करेंगे, वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मारेंगे, यहाँ पर आपका रीनेम का ऑप्शन है। सपोज इस सीट का नाम हम क्लास 1 डालना चाहते हैं, हमने क्लास 1 डाल दिया, तो देखिए सीट का नेम क्या हो गया, चेंज हो गया क्लास 1। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली राइट क्लिक मारा माउस से, रीनेम में क्लिक किया, जो नाम आप डालना चाहते हैं वो नाम आपने टाइप करा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका स्टेप्स मूविंग और कॉपिंग वर्कशीट। अब वर्कशीट को कैसे स्टेप करेंगे, मूव करेंगे। देखिए सीट 5 सीट 4 से पहले है, अब हम क्या चाहते हैं, सीट 5 को सीट 4 के बाद चाहते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसको मूव टू द एंड। यानी देखिए अब सीट 4 यहाँ आ गया और सीट 5 यहाँ आ गया, यानी आपने सीट को पूरे मूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है स्टेप्स टू डिलीटिंग अ वर्कशीट। अब वर्कशीट को कैसे डिलीट करेंगे, सपोज हम सीट 5 को डिलीट करना चाहते हैं, वही राइट क्लिक हमने किया, डिलीट ऑप्शन में आपने क्लिक किया, तो देखिए सीट 5 डिलीट हो गई। सीट 4 वही राइट माउस का राइट क्लिक, डिलीट ऑप्शन डिलीट करा हमने। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।